एक सपना जो सभी लोगों के जिंदगी के लिए अनमोल होती है, एक सपना जो जिंदगी में मात्र एक बार ही पूरा हो पाती एक है, एक सपना जिसे पाने की इच्छा को लेकर लोग पूरी जिंदगी खून और पसीने को बहाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये सपना आखिर होगा जिसे क्या? पाने की इच्छा सभी लोगों के दिल में छिपी रहती है, शायद आवास, या आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि रहने के लिए घर। तो मैं विकास कुमार सिंह आप सभी के साथ इस सपने को साकार करने के प्रयास पर विचार करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज के सेशन का डेट 7th of Feb 2023 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आम लोगों का सपना एक सुंदर निवास जहाँ किसी भी तरह की रोक, खुले आसमान और साफ हवाओं में आज की दुनिया में हर एक लोग रहने की इच्छा रखते हैं। हर एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में मात्र एक बार इस सपने को पूरा करने का दम खम रखते हैं। और कुछ लोग तो अपने सपने को किसी काल कोठरी में बंद भी कर देते हैं। शायद इन सभी के पीछे बस और बस एक ही कारण हो सकता है, और वो हो सकता है पैसा, पैसा, पैसा। भारत सरकार की एक पहल इस सपने को साकार करने की कोशिश में 25 जैन 2015 से लगी है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत वर्ष के गरीब परिवार को आवास मुहैया कराना है। भारत सरकार के विजन के आधार पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक भारत वर्ष को स्लम फ्री बनाना था और सभी गरीबों को आवास दिलाना था, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रूलर या ग्रामीण, 2 करोड़ अर्बन रूलर ग्रामीण गरीबों को अफोर्डेबल हाउसिंग दिलाना था। इससे पहले भी भारत सरकार की पहल से अपना घर का सपना साकार करने की कोशिश की गई थी, जिसमें आजादी के बाद लगभग 5 लाख परिवार को 1960 तक अपना आवास का सपना भारत सरकार के द्वारा पूरा कराया जा चुका है। वहीं 1957 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा एक प्रयास से 67,000 परिवार को 1974 से लेके 1979 के पंचवर्षीय योजना के तहत आवास बनाकर दी जा चुकी है। वहीं 1985 में राजीव गांधी के प्रयास से इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसकी कोशिश एससी एसटी और माइनॉरिटी के लिए आवास की सुविधा दिलाना था। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। और अब आप सभी के सामने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जिसे 2015 में भारत वर्ष में लागू की गई है। इस योजना के तहत 2,67,000 तक की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। चलिए नजर डालने की कोशिश करें कि क्या सरकार इस योजना को 31 मार्च 2022 तक पूरा कर पाएगी। शायद पूरा नहीं कर पाई है और शायद नहीं, लेकिन सरकार पूरी तरह प्रयासरत है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के दिए गए विजन को पूरा की जा सके। और बजट 2023-24 के आधार पे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के विजन को बढ़ाए गए समय में पूरा करने की कोशिश की जा सके। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना और शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष ऋण आवंटन से संबंधित बजट घोषणाएं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए लोन मांग में तेजी लाने के लिए तैयार है। उच्च आवंटन से निम्न आय वर्ग में उच्च ऋण मांग हो सकती है। केंद्रीय बजट ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए 66% बढ़ोतरी कर 79,000 करोड़ रुपए कर दी है। एसबीआई के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष की माने तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आवंटन वृद्धि से अधिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के होम लोन की मांग बढ़ने वाली है। वहीं सस्ती आवास को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी, क्योंकि इस क्षेत्र को बढ़ती इनपुट लागतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि किफायती घरों की परिभाषा को व्यापक बनाने से आवास उद्योग को और भी बढ़ावा मिलेगी। पिछले वर्ष के बजट में प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई थी। 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। नवंबर 2022 तक की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। क्रिसल के निर्देशक अनुसंधान अनिकेत दानी ने कहा है कि ग्रामीण योजना के लिए धन की आवश्यकता को पूरी तरह से संबोधित किया गया है, जबकि शहरी योजना को अभी भी वित्तीय वर्ष 25 में अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होगी, जिसे दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। तो आवास का सपना को साकार करने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन क्या आवास बन पाती है? क्या लोग लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं? क्या सरकार की प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में दी गई एक मोटी रकम 2024 के चुनाव के लिए तो नहीं है? खैर, आगे देखिए और इंतजार कीजिए। थैंक यू, थैंक्स।